दोस्तों, अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक घटना से प्रेरित है। फिल्म में सभी को समानता के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है। वहीं करणी सेना समेत दूसरे संगठनों से अनुभव सिन्हा को धमकियां मिल रही हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्म में ब्राह्मण समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है। आयुष्मान खुराना की ये फिल्म 28 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब करणी सेना ने किसी फिल्म का विरोध किया है। दोस्तों, करणी सेना तब सुर्खियों में आई जब 2008 में फिल्म जोधा अकबर के प्रदर्शन के दौरान इसके सदस्यों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। करणी सेना के सदस्यों ने डायरेक्टर आशुतोष गोवारीकर को धमकी दी थी। विरोध को देखते हुए जोधा अकबर को राजस्थान में रिलीज नहीं किया गया था। दोस्तों, संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत का विरोध करने वाली करणी सेना ने फिल्म को बैन कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन किया था। राजस्थान में जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त करणी सेना ने सेट पर संजय लीला बंसाली के साथ मारपीट भी की थी। यही नहीं, करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने तो दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी भी दे डाली थी। विरोध को देखते हुए फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया था, जिसके बाद ये फिल्म 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकी। साल 2013 में करणी सेना ने जोधा अकबर टीवी सीरियल के विरोध में मोर्चे निकाले और आरोप लगाया कि इस सीरियल में इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जयपुर साहित्य उत्सव में जब एकता कपूर मंच पर चर्चा में भाग ले रही थी, तब करणी सेना के सदस्यों ने उनका विरोध किया। करणी सेना के निशाने पर कंगना रनौत भी आ चुकी हैं। जब उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज हुई थी, करणी सेना ने कहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई को एक गाने पर डांस करते दिखाया गया है, जो देश की सभ्यता के खिलाफ है। कंगना रनौत ने करणी सेना की धमकी का जवाब देते हुए कहा था, चार इतिहासकारों ने मणिकर्णिका को प्रमाणित किया है, हमें सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, हमने करणी सेना को भी जानकारी दी है, लेकिन वे मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर वे नहीं रुकते तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं एक राजपूत हूं और मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों, आप करणी सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।